मुरादाबाद के मुंडा पांडे हवाई पट्टी पर बने मल्टीपर्पज हॉल में युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना कोई भेदभाव किए विकास कर रही है। पिछली सरकारें भेदभाव से कार्य करती थी। युवाओं के लिए भाजपा सरकार अलग अलग रोजपरक योजनाओं का सृजन कर देश के उद्यमियों और युवाओं का विकास कर रही है। भाजपा सरकार देश में प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर आ गई है, जबकि कांग्रेस की सरकार में 11वें स्थान पर देश की व्यवस्था थी। उन सरकारों के पास विकास का नकारात्मक एजेंडा हुआ करता था, जिसके कारण देश का विकास नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई, जबकि सपा सरकार में अराजकता का माहौल रहता था, जिससे भाजपा सरकार सत्ता में आई किसी भी जिले में दंगा नहीं हुआ। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आने वाले उपचुनाव में प्रत्येक बूथ को मजबूत करें, घर घर जाकर योजनाओं के बारे में अवगत कराएं। कुंदरकी विधानसभा को शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गुलाब देवी, धर्मेंद्र पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कुंदरकी ठाकुर रामवीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे, डॉक्टर नवदीप यादव भी मौजूद रहे। आप जानते थे पुरानी सरकारों में भर्ती होती, सरकारी भर्ती होती किस प्रकार से होती, आप सब लोग जानते हैं। और प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रत्येक विधानसभा में हर महीने हमारी सरकार रोजगार के लिए आयोजित कर रही है, जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के रोजगार के अंतर्गत बड़ी संख्या में हमने युवाओं को जोड़ने का काम किया। भाई बहनों, यूपी में युवाओं के रोजगार पर हम लोग जोर दे रहे हैं। हमारी सरकार जोर दे 10 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सरकार स्थापित कर रही है। इसके लिए युवा उद्यमी विकास योजना के तहत हमें जॉब के लिए हम लोग प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। 10 लाख को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश सहित दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए सबसे अच्छा स्थान बना है। और आप देखेंगे निवेश होने के बाद किस प्रकार से युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होने का काम हुआ। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 62 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में पिछले वर्ष जैसे मैंने बताया 6.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हुई है, और पारदर्शी व्यवस्था के साथ ईमानदारी के साथ भर्ती हुई है। भाइयों बहनों, पिछले सरकारों में कैसे चाचा भतीजे परिवार के लोग झोला ले लेकर पैसे उबाले इकट्ठा शुरू करते थे, लेकिन एक भी सरकारी नौकरी में योगी जी के समय जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में एक भी कोई भ्रष्टाचार अगर हुआ हो तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। युवाओं के लिए प्रदेश भर में स्टार्टअप फंड की सरकार ने व्यवस्था की है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को फोन, स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण हमारी सरकार ने किया। अब तक 6000 से अधिक युवाओं को बड़े उद्योगों को मुख्यमंत्री